जैसे भी आप समझा रहे थे कि चोरी का पैसा कभी नहीं फलता, ऐसे मैं भी बचपन से सुनती भी आ रही हूँ कि झूठ बोला हुआ पैसा भी कभी नहीं फलता। बिल्कुल, झूठ भी उतना ही बड़ा पाप है जितने की चोरी। तो मैं जो ग्रह का संबंध है झूठ से वो जानना चाहती हूँ चोरी के बाद, कि किस तरीके के झूठ हमारे ग्रह माफ कर देते हैं और किन झूठों का हमको प्रायश्चित करना पड़ता है, हमें सजा मिलती है, ये जानना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि ये भी कहावत है कि कुछ झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोले जाए वो झूठ नहीं होते, तो जानना चाहूंगी क्या राज क्या है इसके पीछे। बड़ा हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत बार लिखा आता है कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत बार ऐसे भी देखा गया है जो तुमने ये बात कही है कि मान लो कोई आज मजबूर है और वो मजबूर होकर के किसी के पास अपने घर का सोना या कीमती वस्तु रखने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो उसने कहा नहीं तूने तो मेरे पास रखवाई नहीं। वो सामने वाला समृद्ध होता है लेकिन फिर भी मन बेईमान हो जाता है। इसी तरह से बेटा जन्म कुंडली के जैसे नौवें घर में बृहस्पति हो, बारहवें में हो, दूसरे में हो, इनके लिए भी खास तौर पे कहा जाता है कि कभी भी अमानत में खयानत मत करो, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाते हैं, जो अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हैं और उसके बलबूते समृद्ध बनते हैं। और ऐसे लोग जितना अच्छापन दुनिया को दिखाते हैं, अच्छे बन के दुनिया के साथ चलते हैं, उनको परमात्मा और बढ़ाता है और कभी जीवन में कमी नहीं आने देता, समझ गए। अब इसके अंदर अगर इंसान कहीं किसी मोटे लालच के कारण, किसी के लिए मोटे की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं बेटा, जो थोड़ा सा समृद्ध है उसके लिए 1,00,000 रुपए भी मोटा हो सकता है, जो थोड़ा ज़्यादा समृद्ध है उसके लिए 20,00,000 भी ज़्यादा हो सकते हैं, और जो ज़्यादा समृद्ध है उसके लिए 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ का भी वो मामला हो सकता है। तो समृद्धि की तो यही डेफिनेशन। तो ये लोग अगर वाकई में इस तरह का झूठ जो किसी को दुख पहुँचाते हैं, जो सामने वाले की आत्मा को रुला दे और सामने वाले को बद्दुआ देने के लिए मजबूर कर दे, ये दुख जीवन के अंदर बेटा, ये वाली जो बद्दुआ है ये ऐसी लगती है कि कितने भी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह हों सामने वाले के, सब ग्रहों को ये मिट्टी कर देता है। और लाल किताब खास तौर पे बोलती है बेटा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वो जो आप पुराने समय के एपिसोडों में देखते हो ना कि शराब दे दिया, श्री कृष्ण जी को भी गंधारी ने शराब दिया था, ठीक है ना। तो बेटा ये जो शराब यानी कि बद्दुआ, ये ऐसा होता ही नहीं कि ये खाली जाए। आपकी दुआ खाली जा सकती है, जो आपने आशीर्वाद दिया वो खाली जा सकता है, लेकिन बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, इस बात को कभी मत भूलना। आज के युग में लोग मानते नहीं है इस चीज को, लेकिन बेटा जब बीत जाती है तब होश आता है, लेकिन ये पहले भी उतनी कारसाज थी, आज भी है और आगे भविष्य में भी ये इतनी ही कारसाज रहेगी, समझ गए, जो बद्दुआ होती है। तो इसीलिए बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है कि जब आप कुछ ऐसी चोरी कर बैठे जो सामने वाले का पूरा दुख दुखा जाए, यानी कि उसके मन को दुखा जाए और उसके जीवन स्तर को हिला जाए और वो आपको बद्दुआ दे जाए, बेटा ये तो ना धरती पे माफ है ना ऊपर आकाश में माफ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं चोरियां बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने किसी का भला करने के लिए जो झूठ बोला है, समझिए ना, ऐसी बहुत सारी सिचुएशनें रोज पैदा होती हैं, समझे, किसी का भला करने के लिए अगर आपने झूठ बोला और उसके अंदर किसी का मन नहीं दुखा, किसी के यहाँ से कुछ गया नहीं पहाड़ पले से, ऐसे झूठ तो परमात्मा वाकई में माफ़ कर देता है और जन्म कुंडली भी माफ़ करती है और परमात्मा भी माफ़ करता है। लेकिन किसी की आत्मा को अगर दुखा दिया तो बेटा परमात्मा को तो यहाँ काम ही बाद में शुरू होता है, पहले उसकी दी हुई बद्दुआ ही सारा काम कर देती है। तो इसीलिए बद्दुआ लेने वाली चोरी जिंदगी में कभी भी जायज नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ के चलना। और इस चीज में सिर्फ बद्दुआ लेने वाला ही नहीं मिटता बेटा, उसके पूरे परिवार को इसकी सजा मिलती है। इसीलिए कभी किसी की ऐसी बद्दुआ मत लो कि पूरा परिवार ही उस सजा को भोगे।